हेलो गाइस, आज हम आपके साथ एक प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल। आज उसी से रिलेटेड आज हम एक प्रॉब्लम करेंगे। देखते हैं प्रॉब्लम क्या कहता है। प्रॉब्लम में ये बोला है कि ए 2 मीटर वाइड स्क्वायर फुटिंग, ये फुटिंग ध्यान दीजिएगा स्क्वायर फुटिंग, इज लोकेटेड इन द डेंस सैंड एट अ डेप्थ ऑफ 1.2 मीटर, द शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर बीइंग सी इक्वल टू 0 and phi equal to 40 degree, determine the ultimate bearing capacity for the following water table condition. 3 condition दी हुई है। condition क्या क्या है? At ground surface, at 1 meter below the ground surface, at footing level. और क्या क्या दी हुई इसमें? ये दिया हुआ है the moist unit weight of the sand above the water table is 19 kilonewton per meter cube. And the saturated unit weight of the soil is 21 kN per meter cube. The values of bearing capacity parameter for phi equal to 40 degree are nq equal to 81.3 and n gamma equal to 100.4. चलिए इतना कुछ दिया हुआ है। चलिए इस सवाल को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसने बोला है कि स्क्वायर फुटिंग है, तो फुटिंग को ऐसा भी अपना एक फुटिंग बनाएंगे हम। एक फुटिंग बना लिया हमने, देखिए फुटिंग बना लिया, एक फुटिंग बनाएंगे, एक स्क्वायर फुटिंग है। और इसने ये बोला है कि ये मेरा 2 मीटर वाइड है, तो 2 मीटर वाइड हो गया, 2 मीटर वाइड हो गया। और हमने बताया था कि जितना मीटर वाइड होगा ये, और उतना ही आपका क्या होगा, इफेक्ट होगा शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर का। तो ये भी आपका क्या होगा, 2 मीटर हो जाएगा ये। ठीक है, जॉन्टो तैयार हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ पे डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कितना दिया हुआ। डेप्थ ऑफ फाउंडेशन जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिया हुआ मेंशन है, वो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन जो है आपको 1.2 मीटर है। ठीक है, ये आपको ग्राउंड लेवल है। ठीक है, पहला कंडीशन ये बोला है कि ये सॉइल जो है आपका सैंड है, और सैंड जो होती है आपका कोहेजनलेस सॉइल होती है। कोहेजनलेस सॉइल में क्या होती है, सी इक्वल टू 0 होती है। चलिए भाई ठीक है, पहला कंडीशन ये दिया हुआ है कि वाटर टेबल जो है आपका वो ग्राउंड सरफेस में है। वाटर टेबल कहाँ है आपको, ग्राउंड सरफेस में, यहाँ ग्राउंड सरफेस में। ठीक है, तो मतलब ये है कि यहाँ पूरा पानी आपका भरा हुआ है, जोन 1 में भी पानी है, जोन 2 में भी पानी है। चलिए ठीक है, अब हम जानते हैं अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी बराबर क्या होता है। अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी स्क्वायर फुटिंग का हमने उस लास्ट क्लास में जो आपको हम डिस्कस किया था, वो हमने स्ट्रिप फुटिंग के बारे में डिस्कस किया था। इसके आज हमने एक नया प्रॉब्लम लिया है स्क्वायर फुटिंग का, तो स्क्वायर फुटिंग भी आपको समझ में आ जाएगा। स्ट्रिप फुटिंग उस दिन मैंने आपको बता ही दिया था। तो स्क्वायर फुटिंग जो होता है, अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी होती है 1.3 CNC प्लस गामा क्यू DF इंटू NQ प्लस 1/2 गामा बी, 1/2 गामा बी एन गामा। ठीक है, अब देखिए ये आप गामा क्यू लिखिए, गामा टी लिखिए, वो गामा ही रखिए, हमने गामा ही रखते हैं इसको। आप देखिए हमने क्या बोला पहले, ये कोहेजनलेस सॉइल है, तो C इक्वल टू तो 0 हो गया। ठीक है, तो C इक्वल टू 0 हो गया, तो यहाँ पे ये वाला टर्मिनोलॉजी मेरा क्या हो गया, ये वाला पार्ट तो 0 हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने हमेशा बोला था कि जब भी वाटर का कंडीशन आएगा तो हमेशा यूनिट वेट पे ही डिफरेंट फर्क आता है, यूनिट वेट पे ही इफेक्ट करता है। तो यूनिट वेट चेक करते हैं, यूनिट वेट क्या, देखिए इसमें 2 चीज दिया हुआ है। इसमें क्या बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये बोला है कि द मॉइस्ट यूनिट वेट सॉइल, मॉइस्ट मतलब सूखा, द मॉइस्ट यूनिट वेट ऑफ द अबव वाटर टेबल इज 19 kN पर मीटर क्यूब। अबव वाटर टेबल इज 19 kN क्यूब एंड द सैचुरेटेड यूनिट वेट इज 21 kN पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब मेरा वाटर जो है मेरा ग्राउंड लेवल तक भर गया है, तो मतलब मेरा मॉइस्ट तो रहा नहीं अब सॉइल, मेरा सॉइल क्या हो गया, फुल्ली सैचुरेटेड हो गया। और हमने ये बताया था कि जब भी सैचुरेशन की आ जाएगी, पूरी पानी जब तक यहाँ ग्राउंड लेवल तक आ जाएगा जिस जोन तक, तो वहां पर हम क्या लेंगे, गामा समर्ज लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे क्या गामा क्यू, उस गामा क्यू को हम क्या लिखेंगे, 21 - 9.81, ये क्या हो जाएगा गामा समर्ज होगा, गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू। ठीक है, और डेप्थ ऑफ फाउंडेशन दिया हुआ कहता है 1.2 मीटर, और एन क्यू का वैल्यू आपको दी हुई है, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा 81.3 प्लस 1/2 गामा, गामा यहां भी क्या होगा, ये जोन 2 के लिए गामा हो गया, यहां भी गामा क्या होगा आपको, सैचुरेशन वो आपको सबमर्ज होगा, 9.81 - 9.81 इंटू विड्थ ऑफ फाउंडेशन, विड्थ ऑफ फाउंडेशन आपका 2 मीटर दिया हुआ है, 2 मीटर इंटू ये एन गामा के वैल्यू आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दी हुई है, वो है 100.4। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों जब इसको कैलकुलेट किया हमने, कैलकुलेट करके
ये आया, एक जरा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमने बताना भूल गया, ये 1.3 सीएनसी गामा क्यू टी एफ इंटू एन क्यू 1/2 गामा बी एन गामा इंटू 0.8 से मल्टीप्लाई होता है स्क्वायर फुटिंग में, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी आपको निकल के आ गया। अब दूसरा केस बोलता है क्या, दूसरा केस ये बोला है कि अगर वाटर टेबल आपका एट 1 मीटर बिलो द ग्राउंड सर्फेस, ठीक है, ग्राउंड सर्फेस 1.2 मीटर पे, तो चलिए इसको चेक करते हैं, इसको बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए ये मेरा फुटिंग हो जाएगा, ये मेरा फुटिंग हो गया, यहां से मेरा डेप्थ फाउंडेशन जो था मेरा ये 1.2 मीटर था, ये 1.2 मीटर हो गया आपको, और ये जो इसका सीयर जोन फेलियर है ये 2 मीटर, ठीक है, इतना तो तैयार था। अब ये बोला है कि वाटर का जो लेवल है ये मेरा कितना डिस्टेंस पे है, 1 मीटर डेप्थ पे, 1 मीटर डेप्थ पे, मतलब यहां से ये फुटिंग का जो डिस्टेंस है ये कितना है, 0.2 मीटर, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे देखिए, ये यहाँ तक आपका क्या है, वाटर टेबल है, यहाँ तक वाटर टेबल, और इसने क्वेश्चन ने बोला था कि वाटर टेबल से एपक का जो यूनिट वेट है वो है 19 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है, और वाटर से जो कि नीचे जो होगा वो होगा क्या होगा, सैचुरेशन, जिसका यूनिट वेट दिया हुआ था 21 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब देखिए वाटर का जो लेवल है वो जोन 2 से अप है, मतलब क्या है, वाटर का लेवल क्या है, जोन 1 में, ठीक है भाई, देख रहे हैं जोन 1 में, तो जोन 1 में देखिए कि कुछ पार्ट मेरा सूखा है, कुछ पार्ट मेरा भीजा हुआ है। तो हम इस केस में आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि इस केस में हम लोग क्या निकालते हैं, गामा का एवरेज निकालते हैं, ठीक है भाई, तो गामा एवरेज निकाल के देखते हैं। तो गामा का एवरेज कैसे निकालेंगे, तो गामा का एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां का यूनिट वेट ये 19 किलोमीटर पर मीटर क्यूब, तो ये 19 किलोमीटर पर मीटर क्यूब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ये मेरा क्या इतना जितना भिजा हुआ पार्ट है वो मेरा गामा समर्ज है, गामा समर्ज है, तो इसको गामा समर्ज ही 91 - 9.81 इंटू मल्टीप्लाई बाई 0.2, इतना ही पार्ट 0.2, क्योंकि डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कितना है 1.2 मीटर, 1 मीटर क्या आपका सूखा है, और 0.2 मीटर ही आपका क्या हुआ, भेजा हुआ है, ठीक है, 0.2 मीटर ही भेजा हुआ है आपको, डिवाइड बाई, आपने बताया कि जिस जगह पे हम लोग क्या निकाले थे, एवरेज निकालते हैं उसी उसी के डिस्टेंस से हम लोग क्या करते थे, डिवाइड करते थे, डिवाइड कितना, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड ऑफ फाउंडेशन कितना होगा, 1.2 से डिवाइड कर देंगे। सो दोस्तों मैंने आपके लिए ये सॉल्व करके रख दिया ताकि ये वीडियो ज्यादा ड्यूरेशन का ना हो। तो ये गामा एवरेज हमने निकाला क्या कि 19 × 1 से मल्टीप्लाई किया, और ये जो सबमर्ज यूनिट वेट था उसको 0.2 से मल्टीप्लाई किया, ये मल्टीप्लाई किया उसका डिवाइड बाई डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, ये से दिया गया, तो ये पापा क्या आ गया, एवरेज आ गया, यहाँ से हमने एवरेज निकाला तो 17.69 आया, ठीक है, ये 17.69 आया। फिर हमने क्या किया, अब इसको निकालना अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, तो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी का हमने फॉर्मूला लगाया, 1.3 सीएनसी होगा ये, 1.3 सीएनसी गामा क्यू टीएफ इंटू एन क्यू 1/2 बी गामा एन गामा इंटू 0.8, ठीक है, ये आपका स्क्वायर फुटिंग का आपको फाउंडेशन अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला हो गया। अब हमने क्या हुआ कि इसमें तो कोहेजनलेस सॉइल था, तो सी इक्वल टू 0 होगा, चलिए भाई ये वाला पार्ट तो आपका 0 हो गया। यहाँ गामा क्यू के वैल्यू हमने पहले से निकाला, ये गामा क्यू जो आप हो जाएगा गामा एवरेज होगा, क्योंकि मेरा जब पानी का लेवल है, जो वाटर का जो लेवल है वो क्या है, 1.2 मीटर ऑफ द ग्राउंड लेवल, 1 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, ठीक है। तो वहां से हम लोग क्या निकाला, गामा एवरेज निकाला, गामा एवरेज कितना निकला, 17.69, वहां अपने हमने उसको चिपका दिया, बस अब बात कुछ नहीं, बात सब कुछ सेम रहेगा, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन 1.2 दिया था आपको, एन क्यू का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, इस केस की बात करें तो 1/2 × 0.8 जो हमने यहाँ लिखा 0.8 × 11.19 आपको क्यों होगा, यहाँ पे 11.19 गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया विड्थ ऑफ फुटिंग, और ये क्या हो गया एन गामा का वैल्यू। जब इसको हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद मेरा आया 2624.6 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आप केस स्टडी 3 के बारे में देखते हैं, केस स्टडी 3 में क्या बोला है कि आप मेरा वाटर का लेवल है फुटिंग लेवल पे, ठीक है, फुटिंग लेवल पे, फुटिंग लेवल पे हम चेक करते हैं। तो फुटिंग लेवल पे हम देखो, हमने पहले से फुटिंग को बना के रखा है, ये मेरा जोन 1 हो गया था, ये मेरा जोन 2 है, ठीक है, ये मेरा शेयर फिलियर जोन कहलाता था, ये मेरा सरचार्ज जोन कहलाता था, सारा चीज आपको हमने बता के रखा है। अब देखिए ये डेप्थ ऑफ फाउंडेशन मेरा 1.2 मीटर है। अब ये क्या बोला है क्वेश्चन में कि आपका वाटर का लेवल है फुटिंग के लेवल पे, क्वेश्चन को समझिएगा, फुटिंग के लेवल पे, तो ये आपका फुटिंग का लेवल है, मतलब पानी का यहीं पे, मतलब क्या है कि ये आपका जो सीयर सरचार्ज जोन था ये पूरा सूखा हो गया। अब पानी जो लेवल है जो आपको कहा है, आपको सिर्फ शियर फेलियर जोन में है, तो मतलब टर्म कहाँ चेंज होगा, सिर्फ गामा का वैल्यू वहीं चेंज होगा जहां पे पानी का जहां तक लेवल है, मतलब यहां पे तो क्या होगा गामा मॉइस्ट ही यूज होगा, यहाँ पे क्या होगा गामा मॉइस्ट का यूज होगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा गामा सबमर्ज का यूज होगा। और क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था गामा सेट का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, गामा मॉइस्ट का वैल्यू कितना दिया हुआ था 19 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब दिया हुआ था क्वेश्चन में।
ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। चलिए एज इट इज आपको वही करना है, आपको फॉर्मूला लगाना है क्यू यू का, अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला लगाना है। क्या लिखाना है, 1.3 सी एन सी प्लस गामा डी एफ इंटू एन क्यू प्लस 1/2 बी गामा एन गामा इंटू 0.8। 0.8 क्यों करते हैं हम लोग, ये स्क्वायर फुटिंग है, स्क्वायर फुटिंग में हम लोग का ये फॉर्मूला है, ठीक है। अभी फिलहाल तो यही याद रखेंगे, बाद में इसके बारे में कुछ डाउट होगा तो हमसे आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा, आपको हम बता देंगे, ठीक है। तो ये क्यू यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये क्यू यू क्या हो जाएगा, ये आपको जीरो हो जाएगा, क्योंकि कोहेजनलेस फाइल था, आपको सैंड था, सैंड में केस में क्या होता है, सी इक्वल टू जीरो हो गई, तो ये पार्ट आपका जीरो हो गया। चलिए ठीक है, गामा का वैल्यू हम निकालेंगे। गामा ये क्या है, ये जॉन टू के लिए गामा होता है, ये जॉन थ्री के लिए होता है, अगर जॉन सॉरी ये जॉन वन के लिए है, ये जॉन टू के लिए, ठीक है। तो ये पानी वाटर का लेवल आपका जॉन टू में है, तो जॉन वन में तो कुछ इफेक्ट आएगा ही नहीं, तो क्या होगा, जो गामा जो मॉइस्ट है वही मेरा आपके उतर जाएगा, तो ये 19 किलो न्यूटन उतर गया मेरा, ठीक है। डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कितना है मेरा, 1.2 मीटर। एन क्यू का वैल्यू कितना था, 81.3 प्लस 1/2 इंटू 0.8, ये वाला 0.8 हमने यहाँ पे लिख दिया 0.8। विड्थ ऑफ फाउंडेशन कितना दिया हुआ, 2 मीटर दे दिया। गामा वैल्यू यहाँ देखो, गामा का वैल्यू चेंज होगा, क्यों चेंज होगा भाई, वाटर का लेवल यहाँ तक है, देखिए पूरा पानी सीयर फेलियर जोन जो है पूरा पानी से भरा पड़ा है, तो मतलब क्या पूरा सबमर्ज हो गया, तो आपको क्या होगा, यहाँ पे गामा सेट न रख के गामा सबमर्ज होगा। क्यों सबमर्ज होगा, गामा सबमर्ज, यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ था, तो ये ध्यान रखिएगा, कभी गामा में गलती नहीं की जाए, गामा में गलती की जाए तो क्वेश्चन गलती हो जाएगा आपको, ठीक है। तो 21.98 आपको गामा सबमर्ज हो गया इंटू आपका एन गामा का वैल्यू कितना है, 100.4। चलिए ठीक है, इसको अब हम सॉल्व कर, ठीक है दोस्तों, तो हमने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमने देखा कि इसका वैल्यू जो आ रही है मेरा 27.52.48 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। अब जो इसको हमने सवाल को सॉल्व किया, तो इससे हमें क्या कंक्लूजन निकला, कंक्लूजन ये निकला कि जब हमारा केस स्टडी वन हमने जब एनालिसिस किया, तो अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी मेरा 19.94.08 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर निकला। केस टू में मेरा 2624.6 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर निकला, 2752.42 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर केस थ्री में निकला। मतलब हमको ये पता चल रहा है कि जब जब मेरा धीरे धीरे वाटर टेबल नीचे आते जा रहा है, मेरा अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो थ्योरी पढ़ा था, तो आज ये प्रूफ हो गया कि जैसे जैसे वाटर का लेवल मेरा शेयर फिलियर जोन से सरचार्ज जोन की ओर जाएगा, सरचार्ज से ग्राउंड लेवल के ऊपर पानी पहुंच जाएगा, तो मेरा क्या होगा, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, और यही तो टर्जागी का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम से हमारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं और हमें पता भी चल रहा कि कैसे इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। इस तरह के प्रॉब्लम ईएससी में भी आते हैं, गेट में भी आते हैं, आपके यूनिवर्सिटी के पेपर में भी आप अच्छे से पेपर दे सकते हैं, इसके काफी तरह के इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। अगर ये आपको समझ में आया नहीं आया तो इसके बारे में हमें बताएं, हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी बच्चे इस तरह के लेक्चर का आनंद ले सके। थैंक यू।